आप क्या समझते हैं असेंबली टूट गई पंजाबर के जस्ट लिसन मी फॉर 2 मिनट्स जब ये पांच मंजिला छह मंजिला इमारत जब बनता है ना तो वो डिपेंड है पान फाउंडेशन फाउंडेशन में एक बोरी की बजाय अगर दो बोरी सीमेंट इस्तेमाल करे तो वो दसवीं छत भी जा सकते हैं दसवीं फ्लोर तक इधर मेन थिंग इज आवर कंट्री फाउंडेशन वो ब्रिटिश जब जा रहे थे ना ब्रिटिश इधर से जब जा रहे थे तो वो साइकोलॉजिकल दे आर सो मच इंटेलिजेंट और उस इंटेलिजेंस के थ्रू इधर हमारी पुख्तनख्वा का है सूबा सरहद का है जी भी है इधर अपने बच्चों को छोड़ा है क्योंकि एक चीज़ कुछ नहीं होता है बटेर वाला होता है लेकिन उससे पूछो तो कहे जी 500 जीरब ज़मीन है ये कहता है ना तो यही जब उन्होंने तकसीम किया तो वही लोग जो मुसलमान न कहो थे उसे अंग्रेज़ के बच्चे कहो वही असम्बली में भी होते हैं वही आर्मी में भी होते हैं वही आपके ब्यूरोक्रेसी में भी यही लोग हैं अच्छा तो उसी वजह से जब बुनियाद डिस्टर्ब है ना तो हमारा मुल्क कभी इम्प्रूवमेंट और इसमें एक वक्त एक बंदा आया था जो इन और हमारा पाकिस्तान और इंडिया एक वक्त पे बना था 77 ईयर देयर 77 ईयर हेयर लेकिन 77 साल में उधर आर्मी वाले मार्शल लॉ का नाम भी नहीं ले सकते हैं और इधर हमारी जैसे हम इस्लामी कह रहे हैं ना इसमें 50 ईयर से ज़्यादा इन हैवानों ने हुकूमत की मैं आपको मौका देता हूँ लेकिन अभी जो मुल्क हैवानों ने लोग परेशान है मुल्क का सियासी और इस्तेहकाम का शिकार अदम इस्तेहकाम का शिकार है तो हु फॉर रिस्पांसिबल देयर आर द ब्रिटिश अंग्रेजों के वो बच्चे और अंग्रेजों के वो कुत्ते जिन्होंने ज़मीनों पे भी कब्जा किया है ज़मींदार ज़मीनी भी जिसकी है ब्यूरोक्रेसी भी उनकी है और पार्लियामेंट में भी वही लोग हैं ये जिम्मेवार है तो अभी ये मुल्क कहाँ जा रहा है क्योंकि मईशत भी अभी बात सुनिए मेरा और भी 71 में हमारे जुल्म से और हमारी खुदगर्जी से काले बंगालियों ने हमसे आज़ादी हासिल की जिसे किताबों में हम गलत कहते हैं कि गद्दार है क्योंकि हमारी तारीख में 95% झूठ है ये भी मैं आपको बताऊँ और उन्होंने अब हमसे जब आज़ादी की हासिल की है ना तो इधर हम लोगों को गरीब जो होते टक्का सरों से बोलते थे अभी उनका टक्का आपकी ऊपर रुपए की ऊपर है एजुकेशन में आपसे आगे है अच्छा जी मैं सवाल ये करना चाहता हूँ क्योंकि वजह क्या है वजह भी बताओ वजह ये है कि ये जानवर लोग हुकूमत में नहीं आते हैं जिसे मार्शल लॉ लोग कहते हैं और ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं होता है इधर तबाही मजहबी कार्ड और माशाल्लाह की वजह से है बस ये भी मैं अभी पीटीआई ने पंजाब और केबी में असेंबली तोड़ दी आईन भी पूरा आईनी का तो मुद्दा था वो भी पूरा नहीं किया अब क्या समझते हैं ये सब का जिम्मेदार पीटीआई नहीं है बात सुनिए पीटीआई है या नहीं है पीटीआई किसको सपोर्ट करता है मुझे ये बताइए मैं सपोर्ट करता था किसको तलवार को एक वक्त में तलवार निशान किसके साथ था किस कौन सी पार्टी थी ओ जुल्फिकार अली भुट्टो के तो नहीं है ना अभी वो नहीं है लेकिन वही भुट्टो लीडर था पाकिस्तान के लिए अभी कौन सा पार्टी ठीक है कौन सा ये हालत की जिम्मेदार है अभी अभी ये जो हमारे ये जो है ना ये मुसर्रत शाहीन का चचा भी आप पहचानते हैं वो कौन है उसने जो महंगाई खत्म करने के लिए लोगों को वरगलाया था या नहीं पहचानते उसे पहचानते उसे डेरी खान के दोनों नहीं है डेरी खान के दोनों के नहीं है अच्छा सर बहुत शुक्रिया आपके आपके तजिए के लिए बहुत शुक्रिया और फजल रहमान भी डेरी खान थे और वो भी जी का तुमको